हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ओके। सभी जोडियक साइन के लिए हैं, ओके। और टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। और जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड करके ही आप रीडिंग देखें, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो परेशान नहीं होना है, आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा मेरी। सभी रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है, ठीक है। स्पिरिट एंड डिवाइन गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, प्लीज़ हमें बताएं कलेक्टिव लेवल पर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। सिक्स ऑफ वांड्स, वो आपके साथ किए हुए सारे प्रोमिसेस, सारी बातें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स, एस ऑफ कॉइंस, ओके, ठीक है। सिक्स ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर आपके साथ किए हुए सारे प्रोमिसेस, सारी बातें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अच्छे मोमेंट थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फोटोग्राफ शेयर किया था, सेल्फीज थी, वो सारे फोटोग्राफ्स आपके पार्टनर याद कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने कोई आपको गिफ्ट दिया था, उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपने कोई गिफ्ट दिया था आपके पार्टनर को, उसको काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आपके पार्टनर, याद काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। वो खुश होना चाहते हैं, सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पिछली सारी बातें भूल जाना है आपको भी, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी है जो सही नहीं है आप दोनों के रिश्ते के लिए। हो सकता है वो आपके इन-लॉज हों, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के नाम पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज यूज़ की गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के अंदर झगड़े हुए हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं होता था और आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाना, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाना, ठीक है। और आप भी आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करते होंगे, लेकिन उन दिनों में आपने काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया होगा, या फिर आपके पार्टनर आपसे दूर रहने लगे होंगे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करने लगे होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, ओके। मेल फीमेल इस एनर्जी में कोई भी हो सकता है, ओके, क्योंकि कार्ड सिर्फ एनर्जीज दिखाते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे ही ये एनर्जीज दूर हो जाएंगी, या तो भी एनर्जीज दूर करवा रहे हैं, ठीक है, रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अगर आपको कमिटमेंट देंगे, प्यार ऑफर करेंगे, प्यार उसी तरह का होगा जिस तरह का प्यार पहले था आप दोनों के बीच में, ओके। यहाँ पर है द लवर्स, ये एनर्जी दिखाती है आपके पार्टनर, आप दोनों की शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शादी के फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आप दोनों कहीं बाहर गए थे या आप कहीं बाहर गए थे, आपने फोटोग्राफ शेयर किए तो उन सभी को बड़े प्यार से आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे उस पर्सन को दिखाना चाहते हैं आपके पार्टनर कि तुमने कितनी भी भले से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की, आज भी हम दोनों साथ हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको पाने के लिए बहुत प्यार से कोशिश करेंगे और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, ठीक है, ओके। द सन, नई से शुरुआत होगी, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है आप दोनों के रिश्ते में। आपके पार्टनर खुद से आएंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपके पार्टनर वापस लौट कर आने में, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर कोई गलत फहमी भी है वो भी दूर होते हुए दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। द स्टार, वाह, सन एंड स्टार, ओके। इस न्यू मून, फुल मून के ऊपर, मुझे लग रहा है न्यू मून पर रीयूनियन तो हो ही जाएगा, आप दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म होते हुए दिख रही हैं, आप दोनों के रिश्ते में प्यार आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ओके।
नई शुरुआत होगी, नए से सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, पिछली जो भी बातें हैं आप दोनों को भूल जानी होंगी, ख़ासतौर पे आपको भी याद नहीं रखनी है जो उन्होंने आपको गुस्से में कह दिया या एक दूसरे के साथ कुछ मिसबिहेव किया आप दोनों ने, वो सारी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स, बड़ी जल्दी आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ के अंदर एक कमिटमेंट लेकर आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाइन ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर को अगर ये लगता था कि आप दूसरों की बात मान के रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, सेम चीज़ आपको लगती थी कि आप किसी और पर्सन की बातों में आकर रिलेशन ख़राब करें, तो आप दोनों ही इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मेजर अरकाना से भी मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ। हमारे व्यूअर्स की बात में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, द लवर्स। वाह भाई, यहाँ पे दोनों ही दो बार द लवर्स आए। आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, बड़ी प्यारी सी एनर्जी आई है यहाँ पर। डेफिनेटली आप दोनों का रीयूनियन होगा, राधा कृष्ण की ब्लेसिंग से आप दोनों के ऊपर इस रिश्ते में प्यार ज़रूर आएगा, रीयूनियन ज़रूर होगी। जो सिंगल हैं शादी होगी उनके पार्टनर से, आपको यही मैनिफेस्ट करना है। जो मैरिड हैं जल्दी ही एक हो जाएंगे अपने पार्टनर के साथ। ओके, स्टार, वाह दो बार स्टार है, तारा माँ की ब्लेसिंग से। रेड तारा माँ का मंत्र कोई भी आप में से चैंट कर रहा है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट कर रहा है, तो टाइम की बिना परवाह किए कि इतना टाइम हो गया है अब तक कुछ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें सोचना छोड़ दीजिए, मंत्र चैंट करते रहिए, और जो भी राधा कृष्ण का मंत्र चैंट कर रहे हैं वो भी कंटिन्यू करते रहिए, डाउट क्रिएट मत कीजिएगा। बहुत प्यारा रिश्ता है आप दोनों का, रीयूनियन ज़रूर होगा, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। दो बार द स्टार आया, दो बार लवर्स आया, बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस, आपके रिश्ते में ज़रूर से जल्दी रीयूनियन होगा और आपके पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। तो ये थी हमारी प्यारी सी रीडिंग, आई होप आप सभी को पसंद आई। है तो भाई मेडिटेशन ज़रूर करना, बॉटम में मेडिटेशन का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, और पर्सनल रीडिंग लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है दोनों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।